right, left, curly, left, right, left, curly, left, right, left, curly. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल क्रेजी हुसैन व्लॉग। आज आपके लिए एक नया व्लॉग लेकर आ चुका हूं। तो चलिए गाइस, हम एनसीसी ड्रिल करने का तरीका आपको मैं बता देता हूं। तो चलिए, कैसे किया जाता है मैं आपको विजिट करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए गाइस, सामने से साइड मार, एक चल सामने, बोल दे बोल दे, ठीक से और एक दो तीन चार एक सामने से जंपिंग मार, एक चल सिंह हेलो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी लेकर आए हैं। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एनसीसी क्या है, एनसीसी ट्रेनिंग कैसे की जाती है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको ये बता दूंगा कि एनसीसी ट्रेनिंग कैसे की जाती है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता ही दूंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक देखते रहना। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि एनसीसी में सबसे पहले क्या किया जाता है। तो एनसीसी में सबसे पहले रनिंग किया जाता है, दूसरा अपर जंप किया जाता है और तीसरा ड्रिल किया जाता है। तीसरा हाजिरी देने के बाद क्रोकोडाइल वॉल किया जाता है, फिर रोल कॉल किया जाता है, फिर सिटिंग होती है, फिर ड्रिल होता है। आगे बढ़ेगा, पिच चेक मूड, ब्रेक सामने से 180 मार्च, एक चल एकदम ब्रेक आगे बढ़ेगा, बस पहले कदम आगे चल और एक कदम आगे चल, बैक साइड एक कदम पीछे चल और बेंड टच अप टच अप टच बेंड अप टच अप टच अप टच एनसी ए एनसी सी डिप्सो यूनिटी का चेन घोटाले काउंटिंग एक के साथ क्लियर शुरू कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हेलो अटैच टेक ओवर अटैच टेक ओवर अटैच टेक ओवर आप अगर एनसीसी ट्रेनिंग करते वक्त आप कुछ भी गलत करते हो तो आपको पनिशमेंट भी दिया जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, आप अगर टेंथ में और ट्वेल्थ में एनसीसी नहीं लिया है तो ग्रेजुएट में एनसीसी कर सकते हैं। उसके लिए एक स्पेशल ग्रुप है बीए एंड बीएससी। बीए का मतलब ये होता है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसमें भी एनसीसी कर सकते हैं। आप अगर आंध्र प्रदेश जिला कड़पा में हो तो आपके लिए एनसीसी करने के लिए आर्ट्स का लेना बहुत बेस्ट है। आज का ये हमारा वीडियो उसी कॉलेज से लिया जा रहा है, तो आप देख सकते हो गाइस ये ट्रेनिंग कैसे स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है। आप वीडियो पे बने रहना क्योंकि बहुत सी ट्रेनिंग अभी बाकी है। मेरा मतलब ये है कि रोल कॉल अभी बाकी है और क्रोकोडाइल वाल भी किया जाएगा और सेटिंग भी किया जाएगा। आपको अगर कुछ भी डाउट्स आए ना तो मुझे कमेंट में बता देना। यहाँ से हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रनिंग और ऊपर जंप खत्म हो चुका है, तो वहाँ जाकर हम दूसरे ग्राउंड में जाकर अच्छे से ट्रेनिंग करने वाले हैं। तो देख सकते हो कि गाइस हम अभी एनसीसी ट्रेनिंग के पास है। एनसीसी ट्रेनिंग तो हो चुकी है, ड्रिल अभी कर चुके हैं, तो अब एनसीसी रोल कॉल करने जा रहे हैं। तो एनसीसी रोल कॉल कैसे किया जाता है ये सब आपको मैं डिटेल से विजिट करवाऊंगा। बस आप देखते रहना, वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक देखते रहना क्योंकि आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला। तो देखिए गाइस, Good.
पहले से शुरू कर कम प्रधान अरे मजलक खड़े खड़े तेज कदम चाल शुरू कर सीसी में कैसे ड्रेस सेंस किया जाता है वो भाई आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, तो कटिंग और वगैरह वगैरह की चीज़ें भाई एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, तो आप देख सकते हो राणा जी का ये गाइस कटिंग साइड्स जीरो पाइना टू उंडाली एंड इंगोड़ वच्चे शेविंग डेली चेयाली मनम यूनिफॉर्म वेसुकुनेंतवरकु यूनिफॉर्म एप्पुडेप्पुडु वेसुकुंटामो अप्पुडु प्रति ओकटि प्रॉपर उंडाली कटिंग शेविंग एंड ड्रेस అండ్ షూ పాలిష్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉండాలి. డ్రెస్ మనం వేసేది 3 బటన్స్ ఉంటాయి కదా షర్ట్కి, షర్ట్కి 3 బటన్స్ కనపడాలంతే పైకి వేయాలి డ్రెస్. డ్రెస్ ఇట్లా 3 బటన్స్ 1 2 ఇట్లా 3 బటన్స్ ఇంత పైకి వేయాలి, నడుము కంటే పైకి వేయాలి. ఓకే కట్టింగ్ సైడ్స్ 0 పైన 2 అండ్ డైలీ క్లీన్ షేవ్ ఉండాలి, క్లీన్ షేవ్ ఉండాలి, నీట్గా స్మార్ట్గా ఉండాలి. మనము ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఓహో టెన్ సోల్జరా లేకపోతే ఎన్సీసీ క్యాడెటా లేకపోతే ఎన్సీసీ క్యాడెటా సోల్జరా అని మనకు ఐడెంటిఫై అయిపోవాలి సొసైటీలో ప్రతి ఒక్కరికి. బ్యారెట్ కూడా అండ్ డ్రెస్ డైలీ ఐరన్ ఉండాలి, ఇక్కడ లైన్స్ అనేవి వస్తాయి ఐరన్ చేస్తే నీట్గా 1 జీబీ ఇలా లైన్ అనేది వస్తుంది నీట్గా డ్రెస్ ఐరన్ చేస్తే. అండ్ బ్యారెట్ కూడా ఐరన్ చేసుకుంటే డైలీ ఐరన్ చేసుకుంటే బ్యారెట్ అనేది షేప్ వస్తుంది ఇలా. ఓకే బ్యారెట్ లగావు तो आप देख सकते हो गाइस, आप सुनिए होंगे आपने अपने भाई कितना अच्छा एक्सप्लेन किया है हमको. तो ये बहुत अच्छी कॉलेज है और बहुत अच्छा एनसीसी किया जाता है, एनसीसी ट्रेनिंग भी किया जाता है, ड्रिल भी अच्छे से किया जाता है. और यहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद दिल्ली जाकर दिल्ली में भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वहाँ पर भी हमको अच्छे से अच्छा 15 अगस्त के लिए हम झंडा जो लहराया जाता है. तो लाइक कर दीजिएगा एनसीसी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, तो उनके सीनियर से हम पूछताछ करेंगे कि एनसीसी ट्रेनिंग में क्या क्या किया जाता है. फर्स्ट से लास्ट तक इन अपने भाई एक्सप्लेन कर देंगे, एक्सप्लेन किया जाएगा. डी स्टार्ट फॉलिन उठे, फॉलिन तरह टेंथ अंत चूसको ओकेसारी ग्रउंड की ग्रउंड 15-20 रौं से दिन तरह मल्ल इक रोल काल को रोल काल तरह रोल काल अंटने टीम स्टार्ट अंत 8:30 वरकू यानी 9 वरक उड़ी 8:30 or 9 అంతవరకు డ్రిల్ ఉంటుంది, కల్చరల్ ఉంటుంది, అప్పుడప్పుడు జోక్స్ ఇంకా ఏమైనా క్లాసెస్ థియరీ క్లాసెస్ బి సర్టిఫికేట్ సంబంధించినవి సి సర్టిఫికేట్ సంబంధించినవి వెపన్ డ్రిల్ నుంచి వెపన్ ట్రైనింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. అంటే ఎన్ని గంటలు ట్రైనింగ్ చేస్తారు అవి ప్లాన్ చేయండి. మంత్కి 15 డేస్లో డైలీ 3 అవర్స్ ఉంటుంది. तो आप देख सकते हो कि गाइस ये भाई बोलते हैं कि
तीन मंथ्स का ये ड्रिल किया, अपने भाई लोग अपने को बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो आप भी ज्वाइन कीजिए, आप भी आर्ट्स कॉलेज में ज्वाइन हुए। एनसीसी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से किया जाता है, आपको आपको वीडियो में भी मैंने बता दिया था कि कैसे किया जाता है, ड्रिल कितने खुद करते हैं, और वो भाई भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे, तो आइएगा। मन को हयर कैंप की उपयोग करते हैं, आरडीसी अंड आगस्ट 15th की रिपब्लिक डे परेड उ कदा ढिल अड़ ड्रिल अने नीट ने इकड़ मन कॉलेज मन सीनियर्स दर नीट ने एदर्चकोटा अभी सेलेक्शन पॉइंट आफ मन सत्ता मन चूपते हयर कैंप ईजीसी इंटर ग्रूप कांपटीशन అక్కడికి వెళ్ళగలిగితే అక్కడ నుంచి పిఆర్డీసీ 1, 2, 3 త్రీ క్యాంప్స్ ఉంటాయి. ఆ త్రీ క్యాంప్స్ తర్వాత ఢిల్లీ క్యాంప్ 1 మంత్ జరుగుతుంది. ఢిల్లీకి పోయి వచ్చిన తర్వాత మనకి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అనేవి వేకెన్సీ చాలా ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. तो भाई लोग ने ये बता दिया हमको कि यहाँ अच्छे से ट्रेनिंग करने के बाद अगस्त 15 या कोई झंडा उड़ाने के दिन हमको दिल्ली जाना पड़ेगा। सिलेक्शन होने के बाद दिल्ली जाकर हम वो बहुत ज़्यादा अच्छा वहाँ का हमारी एनर्जी जो है वहाँ प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो कैसे किया जाता है, तो यहाँ ट्रेनिंग लेकर वहाँ अगस्त 15 तक बहुत अच्छे से ट्रेन होकर वहाँ झंडा लहराया जाएगा। इसलिए गाइस आप भी एनसीसी ज्वाइन होइए, यहाँ पर बहुत अच्छे से किया जा रहा है एनसीसी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सीधा सुधार वीडियो लेकर, जब तक बाय गाइस। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, अगर इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय गाइस।